तो दोस्तों आज काफी यार मजेदार टॉपिक पे बात करने वाले हो। मतलब एक चीज यार आप सबने जरूर नोटिस करी होगी, एज अ पीसी यूजर से उठा लो या फिर एंड्रॉइड यूजर, आप जब भी देखते होगे ना विंडोज की वेबसाइट बहुत सारी मिल जाती है जहां से आप सस्ते रेट में कीज खरीद सकते हो। पर सवाल वही उठ जाता है भाई कि ये इतने सस्ते में दे कैसे रहे। सवाल यह है भाई एकदम, देखो जनरली अगर आप विंडोज की वेबसाइट पर जाओगे ना कीज खरीदने तो वो 7,000 से लेकर 9,000, यस यार ये जो प्राइस है ना काफी बड़ा है यार इंडिया के लिए, तो खास करके इंडियन यूजर्स के लिए। इतने में तो अपने लिए यार पीसी के कुछ पार्ट्स आ जाएंगे, उस प्राइस में आप यार बेसिकली एक्टिवेट करते हो। तो ये जो की का प्राइस है वो इतना ज्यादा एलिमिनेट हो जाता है लाइक यार 300-700, तो लोग भी सोचने लग जाते हैं क्या भाई कैसे कर रखा है, मतलब हालत क्या है। इवन सीन सिनेरियो तो ये बन रखा है कि भाई अगर आप गूगल पे सर्च करोगे ना विंडोज की, तो विंडोज की छोड़ो ये सारी वेबसाइट पहले आ जाती है। तो लोग भी यार चौंक जाते हैं क्या हालत है क्या चल रहा है, आज इसको क्लियर करते हैं। बाकी स्वागत है आप सभी का एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। अब सबसे पहले तो भाई एक चीज मैं क्लियर करना चाहता हूं, माइक्रोसॉफ्ट वालों ने ना अपनी विंडोज को कंप्लीटली फ्री कर रखा है। मतलब जो भी वर्जन आपको चाहिए ना कंप्लीटली फ्री इंस्टॉल कर सकते हो, लाइक 11 उठा लो, 10 उठा लो, 7 उठा लो, 8 उठा लो, सब फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। पर वही सवाल आ जाता है जैसे ही आप इसको यार डाउनलोड करोगे ना तो साइड में वाटरमार्क आ जाएगा कि एक्टिवेट करो विंडोज को, और सेकेंडरी आपको क्या देखने को दिखेगा कि कुछ सेटिंग्स जो होती है ना विंडोज की वो आपकी अनेबल नहीं होती है। तो क्या करा जाए, तो देखो बहुत हद तक यार जनरली केसेस में मैंने यही बोला है कि अगर आपके पास इतना बजट नहीं है कि की भी लेना चाहते हो तो आप इसको भी यूज कर सकते हो। सिर्फ कुछ ही चीजें तो यार ब्लॉक हुई है, बाकी सब आप जनरली सब कुछ चला पाओगे। लाइक गेम्स इंस्टॉल करो वो प्रॉपर्ली चलेगा, अपना नॉर्मल काम करो सब कुछ प्रॉपर्ली यार चलेगा, बस वो थोड़ा वाटरमार्क की दिक्कत है और कुछ भी नहीं है। पर लोग यार दूसरे चक्करों में चले जाते हैं, लाइक जो फेक या सर्वर वर्वर रहते हैं ना वहां से एक्टिवेट करने लग जाते हैं। इवन आई बटन पे इस पे वीडियो देख सकते हो, अगर आपने फेक सर्वर से एक्टिवेट कर रखी है विंडोज तब आपके लिए वो वीडियो काफी कामयाब रह सकती है। उस वीडियो से थोड़ा आपको जानकारी पता चल सकती है भाई क्या होता है अगर आप फेक सर्वर से करते हो। चलो फेक सर्वर वाले यार जितने भी हमारे यूजर्स हैं उन्हें एक समय के लिए साइड करते हैं, अब उनकी बात करते हैं भाई जो जेन्युइनली सोच रहे हैं कि हम की वी खरीदें और विंडोज को एक्टिवेट करें। यहां कुछ ही अमाउंट ऑफ पीपल आते हैं, पर हाँ उनके सामने यार दो रिजल्ट दिखते हैं। एक तो यार माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से खरीद ले, हाँ वो प्राइस ज्यादा है पर हाँ ओरिजिनल है। सेकेंडरी उन्हें दिखता है भाई ये जो कीज वाली मार्केट है क्या इनसे लेना चाहिए कि नहीं, अब वो सवाल आता है। तो अब मैं आपको यार बताता हूँ आखिर ये इतने सस्ते में कीज मिलती कैसे। यहाँ पे लोगों को भाई थोड़ी इसके ऊपर ना कम इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है जिसके कारण वो लोग परचेज कर लेते हैं और बार बार दिक्कत आती है। सबसे पहले तो देखो यार ये इतनी सस्ती होने के ना कुछ रीजंस है, लाइक अगर मेरे से पूछोगे सबसे पहले तो देखो अगर कोई मैन्युफैक्चर या ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड लोग अगर कीज को खरीदते हैं, लाइक एचपी डेल उठा लो या बहुत सारे ड्राइवर बेस कंपनी होती है ना, वो लोग कीज खरीदते तो एक बल्क में खरीदते और माइक्रोसॉफ्ट वाले भी बहुत चीप रेट में इन्हें देते हैं। इवन आप बोल सकते हो 80% डिस्काउंट पे भी शायद इन्हें मिल जाता होगा। तो वो कीज ये लोग अगर रीसोल्ड कर दे तो उस केस में बेसिकली कीज भाई ओरिजिनल रहती है क्योंकि वो यार डायरेक्टली डिस्काउंट कीज आपको यार प्रोवाइड कर रहे हैं। सेकेंडरी आप बोल सकते हो बहुत सारी कंट्रीज में ना जो यार ये विंडोज की है ना बहुत सस्ते रेट में अवेलेबल है, लाइक चाइना में चले जाओ ये सब कंट्रीज में बहुत कम रेट में, तो वहां से कीज खरीद ली किसी ने और आपको सप्लाई कर रहा है या सोल्ड कर रहा है, ये बेसिकली है। तो इन केसेस में काफी हद तक लगता है हाँ लेजिट की है, मतलब आप यार यूज कर सकते हो। पर केस टू तो जान लो भाई वही तो गेम चेंजर है। तो दोस्तों सेकंड केस ना पूरा गेम चेंज कर देता है। लाइक यार बहुत सारे सिनेरियो में क्या होता है ना लोग फेक आईडी फेक क्रेडिट कार्ड नंबर बना के भाई ये कीज ना जिन कंट्री में सस्ते है ना वहां से खरीद लेते हैं और सप्लाई करना शुरू कर देते हैं। ये एक तरीके का भाई बेसिकली क्राइम है क्योंकि आप यार कहीं से खरीद वरीद के सप्लाई कर रहे हो, वहां पे चीप है वो उन लोगों के लिए चीप है, लाइक चाइना में चीप है तो उन लोगों के लिए चीप है ना, आपने उसको खरीद वरीद के सप्लाई करना शुरू कर दिया। अब इन केसेस में होता क्या है ना वो जब पकड़ा जाता है ये जो जिसने ये सब फैला रहा है ये पूरी चीजें, वो जैसे ही पकड़ा जाता है ना वो जितनी भी चीज उसने सोल्ड आउट करी होती है वो सारी ब्लॉक हो जाती है वर्ल्ड वाइड जितने भी है। अब वहां पे आए अगर आपने भी उससे यार की खरीदी होगी और अपनी विंडोज को एक्टिवेट करी होगी तो आपका भी यार वहां पे पैसे भी गए और साथ ही साथ यार बोल सकते हो कीज भी नहीं मिलेगी, ये हाल हो जाता है। तो मेरे हिसाब से यार क्राइम को सपोर्ट भी नहीं करना चाहिए। अब इन कीज में यार ओरिजिनल भी हो सकता है और फेक भी जैसा मैंने बताया। अब सिलेक्शन करना इसमें बहुत डिफिकल्ट काम है तो मैं तो प्रेफर करूंगा भाई इसके चक्कर में ही नहीं फंसो, क्या जा रहा है यार आप जेन्युइनली ऐसे यार कीज खरीद लो विंडोज की वो ज्यादा अच्छी रहेगी, वरना सबसे बेस्ट यार नॉन एक्टिवेटेड विंडोज यूज करो, फेक सर्वर के पीछे भी ना जाओ। तो ये बहुत दो अच्छी चीजें मैंने आपको बता दी, और हो सके तो जेन्युइन कीज खरीदो, हाँ थोड़ी महंगी तो है पर हाँ लाइफ टाइम काम आएगी, अलग अलग पीसी पे भी आप चेंज वेंज कर सकते हो, सब कुछ मिलता है तो ये अच्छी चीज हो सकती है। बाकी चलो मैंने सोचा यार ये टॉपिक ऐसा है जिसके बारे में लोगों को कम पता है और वेबसाइट्स बहुत सारी है तो कहीं चक्कर में आप तो नहीं फंस गए, ये हो सकता था तो हमने यार कोशिश करी आपको बचाने की। बाकी चलो यार इस वीडियो में इतना, अगर पसंद आए तो बिल्कुल लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब बनता है शेयर कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।